हेलो गाइज, नए समीकरण देखो। माँ ने एक उत्क्रमणीय अवयव की दिया, जो उत्क्रमणीय अवयव की दिया है ए कैपिटल ए प्लस बी स्मॉल कैपिटल बी, उत्क्रमणीय अवयव की दिया सी कैपिटल डी, उत्क्रमणीय अवयव की दिया और नियतांक क्यू, जो नियतांक क्यू है ये ए ए दिख रहा, हाँ यही नियतांक क्यू, ये नियतांक क्यू ए बराबर होता है उत्पाद अपॉन अभिकारक। उत्पाद उत्पाद की कोफिशेंट क्या है, ये सी और जी और डी, उत्पाद की कोफिशेंट उनके घात और नीचे अभिकारक की कोफिशेंट उनके घात। आप इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस प्रकार समझ सकते हैं। देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को कैसे समझें, देखो यहाँ पर ए लिखा है तो ए का कोफी यहाँ पर जैसे सम ए अभिक्रिया है आपकी, तो यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखा है एक, तो ए का कोफिशेंट जैसे एक है, यहाँ पर बी लिखा है बी का, यहाँ पर थ्री लिखा है तो यहाँ बी यानी ये थ्री का आगे का ये कोफिशेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर सी, यहाँ पर जैसे आगे डी में तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर डी में कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया समझ में, अब आगे चलते हैं। तो भैया अब देखो ऊष्मागतिकी के नियम से, ऊष्मागतिकी को नियम कहो गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी बराबर मानक गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा जी बराबर हो मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नॉट प्लस आई टी लॉग इन क्यू, आई टी लॉग इन क्यू। अब सब समझा रहे कि का कैसा हो रहा है इनको मान, ठीक है। जो ऊष्मागतिकी को जो तो तुम्हें ध्यान रखने के, तो जो 11 कक्षा 11 में तो जो हो गिब्स ऊर्जा को सूत्र, ठीक है। अब लिखें दे रहे जो कौन गिब्स ऊर्जा है, जो आर नियतांक है, टी तापमान, ये सब लिखें दे रहे। तो भैया जी लग गए सब, यहाँ पर जी क्या है गिब्स ऊर्जा और नॉट जी डेल्टा नॉट जी क्या है माना गिब्स ऊर्जा, आर नियतांक है, टी तापमान है और क्यू क्यू तो अभी यहाँ पर देखा ही था उत्पादपति अभिकारक, उत्पाद उत्पाद मतलब जी है डेल डेल सी और डी की घात और अभिकारक, ठीक है। तो ये अब आगे चलते हैं, इनकी मान रखते हैं गिब्स ऊर्जा का क्या मान होता है और माना गिब्स ऊर्जा इनका क्या मान होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल, गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा गिब्स ऊर्जा बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और ई सेल तो जानते ही हो सेल विभव कहलाता है और नॉट लग जाए तो मानक हो जाए माइनस सेल विभव। तो और एन एन ये क्या है, एन एन है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, काय में सेल में, सेल में कितने स्थानांतरित हो रहे इलेक्ट्रॉन, और एफ तो जानते ही हो फेरेट कहलाउट, एक फेरेट बराबर हो 96,500। अब आगे चल के अब देखें तो अब इनके ये मान रख के दो इन समीकरण में, समीकरण एक मान लो चाहे ये कछु ये समीकरण में मान रख दो इनके। तो चलिए मान रखते हैं। तो गाइस हम मान रख चुके हैं, देखिए हमने गिब्स ऊर्जा माइनस एन एफ रख दिया मान, माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा नॉट जी माना गिब्स ऊर्जा का माइनस एन एफ ई नॉट सेल रख दिया और ये एजिटेस, ये एजिटेस रख दिया। अब हम क्या करेंगे पूरे समीकरण को, पूरे समीकरण को हम एन एफ, हम पूरे समीकरण को एन एफ से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए गाइस पूरे समीकरण को एन एफ से डिवाइड करते हैं, सॉरी माइनस एन एफ, क्योंकि यहाँ से हमें माइनस एन एफ भी हटाना, तो पहले लिख देते हैं पूरे समीकरण को माइनस एन एफ से डिवाइड करते हैं। तो गाइज हमने लिख दिया पूरे समीकरण को माइनस एन एफ से भाग करने पर यानी डिवाइड करने पर, तो चलिए डिवाइड करते हैं माइनस एन एफ, यहाँ पर भी माइनस एन एफ, यहाँ पर भी माइनस एन एफ। तो हमने पूरे समीकरण को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये पूरा कैंसिल, ठीक है। क्या भर बचा ई सेल भर बचा, यहाँ से ये पूरा कैंसिल, ई नॉट सेल बस बचा, यहाँ से तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन ये माइनस है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लिखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आया, तो चलिए लिखते हैं। तो गाइस ये हमने लिख लिया है, ये लिख लिया है हमने ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आई टी, ये माइनस यहाँ से आ गया इससे माइनस आई टी लॉग इन क्यू। अब आगे ये तो आया हमारा नया समीकरण, लेकिन अब जो क्वेश्चन के लिए ड्राइव करना है वो आगे सॉल्व करते हैं, इनके मान रखते हैं आर का मान क्या होता है, टी का मान क्या होता है, एफ का मान क्या होता है, फिर आएगा स्टैंडर्ड पूरा नए समीकरण। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो गाइस हमने मिटा लिया है और देखो अब मान रखते हैं आर का मान क्या होता है, आर का मान होता है 0.0821, ये नियतांक है ये आर,
तो आर का मान रख देंगे। टी का मान होता है 298 केल्विन, स्टैंडर्ड मान है ये। और एफ का मान तो पता ही है 96,500, और एन तो स्थानांतर इलेक्ट्रॉन है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। और यहाँ पर ये कोई चीज़ हम आपको बताने दे रहे हैं, लॉग एन, लॉग एन का मतलब होता है लॉग क्यू, लॉग की बेस ई, लॉग एन का मतलब होता है लॉग की बेस ई, लॉग टेन, लॉग का बेस 10 नहीं होता, तो ये ध्यान रखना है, लॉग एन का मतलब होता है लॉग की बेस ई। तो अब ये मान रखते हैं, तो चलिए, तो गाइज मान रखते हैं ई सेल एज इट इज, आर, आर का मान 0.0821, ठीक है, 298 केल्विन, एन एज इट इज, एफ का मान 96,500। अब गाइज अब देखिए, जब लॉग एन क्यू होता है, लॉग एन क्यू का मतलब होता है लॉग ई, अभी बताया था, और जब लॉग ई से यहाँ समझिए, लॉग ई से जब लॉग की बेस 10, लॉग बेस ई है, लॉग से 10 में बदलते हैं, तो ये 2.303 टाइम्स होता है, 2.303 टाइम्स होता है लॉग ई, लॉग 10 का लॉग 10 का 2.30 टाइम्स होता है। तो यहाँ लॉग क्यू का मतलब क्या है, लॉग ई ही है, लॉग क्यू का मतलब लॉग ई, लॉग अभी बताया था ना आगे, और लॉग ई को अपन को लॉग की बेस 10 में बदलना है, यहाँ पर लॉग क्यू है, लॉग क्यू, तो यहाँ ई लॉग ई क्यू, लॉग ई क्यू, यहाँ पर लॉग 10 क्यू में बदलना है अपन को। 10 लिखते हैं या लिखो या ना लिखो, लेकिन 10 में से बदलना है जैसे अपन को, तो 2.303 का गुणा करना होगा, क्योंकि ये 2.30 टाइम्स होता है, तो इसमें लॉग क्यू को 2.303 से गुणा करके लॉग की बेस 10 में बदलते हैं। तो चलिए लिखते हैं, तो गाइज ये लिख लिया हमने लॉग क्यू को, ये बदल दिया अपन ने 2.303 और बेस 10 और क्यू। अब देखिए गाइज इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, गाइज इस पूरे मटेरियल को सॉल्व करने पर ई सेल माइनस 0.0591 आता है, 0.0591 आता है, अपॉन में एन है ही, सो एन को एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर लॉग बेस क्यू बचा, लॉग 10 क्यू बचा, तो यही हमारा नया समीकरण है, इसे लिख लेते हैं अच्छी तरीके से क्या आया ओवरऑल। गाइज ये लिख लिया हमने पूरा नेक्स्ट समीकरण, नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 0.0591 लॉग बेस क्यू, लॉग 10 बेस क्यू, ये पूरा नया समीकरण है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।